और वही जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उससे परिवर्तन भी हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वजों का सम्मान नहीं होने दे रहे हैं। इससे पहले भी अखिलेश जी दीवाल बंद कर गए थे, तो किस तरीके की आप राजनीति देख रहे हैं कि किस ओछी राजनीति है, क्या है? तो देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के रास्ते पर जा रही है, तो जिस तरीके से जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक नई क्रांति पैदा करना पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से अगर इस तानाशाही रास्ते पर और इस तरीके का अगर पूर्वजों के साथ अन्याय करने की कोशिश करेगी, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी को उसी तरीके से हटाना होगा। तो अखिलेश जी जेपी आंदोलन से ही नीतीश जी जो बिहार में हैं, एनडीए के घटक दल में हैं, वो जुड़े हुए थे, उभरे हुए थे उसी से, जेपी आंदोलन से। तो आप अब क्या कहेंगे उनके लिए, क्योंकि अखिलेश जी ने तो बोला है कि अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को उसका छोड़ना चाहिए था। जेपी आंदोलन चला था, उसमें नीतीश भी थे, इस तरीके से समाजवादी पार्टी के सभी लोग थे, और उसी क्रांति ने परिवर्तन किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना चाहिए था। अगर इसमें ऐसे पूर्वजों का अगर सम्मान नहीं करने थे, तो इसकी हम लोग तो निंदा करेंगे, और निंदा करने के साथ साथ इस तानाशाही को ख़त्म समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। अच्छा, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोल रहा है कि उसमें काम चल रहा है, इस वजह से रोका गया। देखिए, ये काम धाम वहाँ कुछ नहीं चल रहा, काम चलते चलते तो 8 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए। अगर काम भी चल रहा है तो मूर्ति तो वहाँ लगी हुई है, मूर्ति पे तो साफ सफाई करा करके माल्यार्पण कराना चाहिए था, ये तो शासन को और सुविधा देनी चाहिए था। और अगली खबर बहराइच से, युवा